नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। ये विषय है रोग योग का। रोग योग जो होता है हमारी कुंडली में कैसे बनता है, जैसा कि आप जानते होंगे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जिसे बीमारी नहीं होती, रोग नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों के बीमारी जो होती हैं एक उम्र के बाद में आती हैं, जब शरीर जो होता है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तब बीमारियां आती हैं। बीमारी तो ऐसे सबके आती हैं लेकिन कमज़ोर होने पे आती हैं, शरीर जब कमज़ोर होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जन्मजात उनके बीमारियां होती हैं, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे मृत्यु हो जाती है। तो फल दीपिका के रोग निर्णयाध्याय में इसका वर्णन है, इसके बारे में बताया गया है फल दीपिका में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं, कुंडली के माध्यम से भी करेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं रोग योग होता क्या है। रोग योग में सूर्य या चंद्र दूसरे और बारहवें भाव में अगर हो और मंगल या शनि से दृष्ट हो तो नेत्र रोग होता है। द्वितीय भाव दाया और द्वादश भाव, बारहवां भाव जो होता है बायां नेत्र कहलाता है, ज्योतिष में इसके बारे में बताया गया है। और तीसरा और ग्यारहवां भाव में गुरु शनि मंगल की स्थित हो तो कान में रोग होता है। पंचम भाव में पापी ग्रह हो तो पेट का रोग होता है। यदि 6-8 भावेश 6-8 का स्वामी पंचम में हो तो विशेष उत्कट रोग होता है। इसी प्रकार से 7-8 भाव में पापी ग्रह हो तो गुप्त रोग, और उनके साथ शुक्र भी हो तो गुप्त विशेष प्रकार का गुप्तांग रोग होता है। कुंडली में ये कुंडली है नेत्र योग की है, ये इसके बारे में बताएंगे। ये जो है ये महानुभाव जो हैं इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है बारहवें भाव में बैठा है। इन महान भाव की बाईं आँख शनि महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा प्रारंभ होते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ये कुंडली में जो है इसके द्वारा पता चलता है कि कुंडली के माध्यम से जो रोग योग होते हैं वो कितने सटीक बैठते हैं। इसी प्रकार से 6-8 भाव से कुछ रोग बनते हैं। तो 6-8 भाव में सूर्य हो तो बार बार बुखार आता है, काफ़ी बार बुखार आने का भय रहता है। इसी प्रकार से 6-8 भाव में मंगल केतु हो तो घाव होता है। 6-8 भाव में शुक्र हो तो गुप्तांगों से संबंधित रोग होता है। 6-8 भाव में गुरु हो तो टीबी क्षय रोग होता है। 6-8 में शनि वात रोग कराता है। 6-8 में राहु यदि मंगल दृष्ट हो तो फोड़ा गुलुम आदि होता है। 6-8 में शनि चंद्रमा कहीं साथ में हो, इनकी युति हो तो ट्यूमर होता है। 6-8 में शनि और चंद्रमा अगर साथ में हो तो ट्यूमर होता है। इसी प्रकार से छींड़ चंद्रमा जल राशि में अगर हो, जल राशि चौथी 8वीं 10वीं और 12वीं में होकर बैठा हो तो पानी रोग, जलोदर या क्षय रोग, टीबी, इस प्रकार के रोग होते हैं, ये बताया गया है। कुंडली जो है टीबी रोग से ग्रसित व्यक्ति की है। अष्टम में चंद्रमा जल राशि का है, पापी शनि से दृष्ट है। चंद्रमा शुक्ल पंचमी का है, पापयुक्त नहीं है, तब भी इन्हें टीबी का रोग हुआ। रोग निर्णय का उदाहरण आप सर्वप्रथम कुछ इस तरह से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सर्वप्रथम आप अरिष्ट योग और अशुभ जन्म समयों का विचार करें, ऐसे लोगों को रोगों की संभावना अधिक होती है। 6-8-12 भावगत ग्रह सृष्टेश अष्टमेश लग्नेश व इनके साथ बैठे ग्रहों दष्टिकारक ग्रहों को देखें। इसके पश्चात भावानुसार अंग का निर्णय करें, हर भाव के हिसाब से अलग अलग अंग का निर्णय करें। आप इतना तो आपको पता होगा कि हर भाव का अलग
वो होता है, उसके कारकत्व होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर ये कैंसर रोगी की कुंडली है, इस कुंडली में ये कुंडली जो है सिंह लगन की कुंडली है। ये जिसकी भी कुंडली है, इनकी मृत्यु बचपन में ही कैंसर से हो गई थी, इनका जन्म अमावस्या का है। 12वें भाव का स्वामी और लग्नेश एक साथ चौथे भाव में बैठे हैं। 12वां भाव जो है और लग्नेश एक साथ चौथे भाव में है। छठे भाव में राहु, द्वादश में केतु है। मार्केश शनि का अष्टमेश गुरु से दृष्टि संबंध है। शनि राहु रोग कारक हैं, इनमें राहु बलि है, मंगल से दृष्ट है। दूसरे मार्केश बुध का चंद्र व लग्नेश से योग है। छठे में मंगल दृष्ट राहु ट्यूमर कैंसर को दिखाता है। चतुर्थ व पंचम में पाप ग्रह घातक रोग फेफड़ों व पेट में दिखाते हैं। चतुर्थ व पंचम में पाप ग्रह बैठे हैं इनके, जो फेफड़ों में और पेट में रोग को दिखाते हैं, घातक रोग को दिखाते हैं। रक्त कैंसर जो होता है, प्राचीन काल में इसका ज्ञात नहीं था। इनकी जो मृत्यु हुई बुध में केतु के अंतर्दशा में हुई, तो ये कुंडली के माध्यम से फलित था, कैंसर रोगी की कुंडली है ये। तो मित्रों, आपने जाना कि ये रोग जो होते हैं कुंडली के माध्यम से इनका विचार कैसे किया जाता है। आगे भी और भी कई रोग हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फल दीपिका में इसके बारे में बहुत विस्तृत जो है जानकारी है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।